तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉप बिजनेस न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा को सस्पेंड करने की बात कही थी, जिससे फॉरेन IT प्रोफेशनल्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला इसलिए लिया था कि वहाँ के लोकल USA के लोगों की कोरोना पैंडेमिक की वजह से जॉब चली गई थी और वो बेरोजगार हो गए थे। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने H1B वीज़ा साल के आखिर तक सस्पेंड करने का डिसीजन लिया था, जिसके चलते अब इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट IT फर्म इन्फोसिस के CEO सलील पारेख ने ये कहा कि वो H1B वीज़ा सस्पेंशन को देखते हुए वो अब USA के लोकल IT प्रोफेशनल्स को जॉब देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि इन्फोसिस USA में करीबन 20,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इनमें से करीबन 60% लोग H1B वीज़ा पर डिपेंडेंट हैं और L1 वीज़ा पर 1300 एम्प्लॉयज़ डिपेंडेंट है और बाकी के एम्प्लॉयज़ USA के मौजूद है। इसलिए अब इन्फोसिस के CEO सलील पारेख अब अमेरिका के लोकल IT प्रोफेशनल्स को ज़्यादा मात्रा में हायरिंग करेंगे और उन्हें जॉब देंगे। और उसकी जानकारी उन्होंने लास्ट सैटरडे हुई कंपनी की वर्चुअल AGM के दौरान दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि क्रिस्टल रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अपैरल रिटेल इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के रेवेन्यू में करीबन 30-35% की गिरावट देखने को मिल सकती है और सबसे ज़्यादा नुकसान शॉपर स्टॉप्स और लाइफस्टाइल जैसे रिटेल अपैरल स्टोर्स में देखने को मिल सकती है, ऐसा क्रिस्टल रेटिंग एजेंसी का प्रेडिक्शन है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि दरअसल रिटेल अपैरल इंडस्ट्री के रेवेन्यू करीबन 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का है और इस रेवेन्यू में 30-35% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से देश में शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े रिटेल अपैरल स्टोर बंद थे और अब बाद में अनलॉक होने के टाइम इन सबको खोलने की अनुमति दे दी गई थी और इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब भी चली गई है, जिसकी वजह से अब लोग जिससे ज़्यादा कंजप्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लोगों की इनकम कम हो गई है। और क्रिसल के मुताबिक लाइफस्टाइल शॉपर स्टॉप जैसे रिटेल स्टोर्स Tier 1 सिटीज़ में ही अवेलेबल है और Tier 1 सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कोरोना का खतरा भी है और जिसकी वजह से कुछ मेट्रो सिटीज में इन सारे स्टोर्स को क्लोज करने की हिदायत भी दी गई है, जिसकी वजह से इनके रिटेल अपैरल स्टोर्स लाइक लाइफस्टाइल एंड शॉपर स्टॉप को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इनके स्टोर्स बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में है और मुंबई में रियल इस्टेट कॉस्ट बहुत महंगा है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मुंबई में लिंकिंग रोड एरिया का रियल इस्टेट का कॉस्ट प्राइस 500-600 रुपये स्क्वायर फीट है और एक स्टोर को मिनिमम 50,000 स्क्वायर फीट की जगह लगती है, जिसकी वजह से Tier 1 सिटीज़ में मौजूद ऐसे बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स के रेवेन्यू में 30-35% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट रिटेल अपैरल इंडस्ट्री में देखने को भी सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि पेटीएम पेऑर्ट्स ने 3 महीने के अंदर करीबन 1500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया की फिनटेक कंपनी पेटीएम ने संडे को अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उनके प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करने के लिए पेटीएम का यूज़ किया है, जिसके चलते उनके प्लेटफॉर्म पर 1500 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र यादव ने कहा कि हमने खुद लॉकडाउन के समय में देखा है कि मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेसेस के लोग पेटीएम के जरिए अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए यूज़ करते थे और अपने वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर्स और खुद के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते थे, जिसकी वजह से हमने बस 3 महीनों में ही 1500 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हासिल किया है और उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में इसमें 100% का इंक्रीमेंट भी होगा। और आज के अगले अपडेट ये है कि आज के मार्केट में ITC के शेयरों में करीबन 4% का उछाल देखने को मिला, क्योंकि ITC ने 2 दिन पहले ही अपने Q4 अर्निंग्स की रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया है कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 9.28% का अपसाइड देखने को मिला, जिसकी वजह से ITC के स्टॉक में आज 4% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन आज मार्केट बंद होते होते ITC के स्टॉक का प्राइस 197.25 रुपये पर बंद हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.05% की बढ़त देखने को मिली।
तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से आने वाले सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस 2 लाख के पार चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टेम्पररी पाकिस्तान से आने वाले फ्लाइट्स को आज से सस्पेंड कर दिया है और कहा कि पहले पाकिस्तान ट्रैवलर्स की चेकिंग के लिए सही तरीके से स्पेशल COVID-19 टेस्टिंग लैब का एयरपोर्ट पर इंस्टॉलमेंट करे, ऐसा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को कहा, जिसकी वजह से अब यूनाइटेड एमिरेट्स ने पाकिस्तानी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि अमेजॉन इंडिया अब 20,000 एम्प्लॉयज को टेम्पररी सीजनल समय के लिए हायर करने वाला है और ये हायरिंग कस्टमर सर्विस के लिए की जाएगी और ये हायरिंग हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मैंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ जैसी सिटीज के लिए की जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है कि वोडाफोन आइडिया के Q4 अर्निंग से पहले आज के दिन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में 8% का उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि लगातार कंसेक्यूटिव 3 सेशंस BSE में लिस्टेड वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में 8% का उछाल देखने को मिला, लेकिन मार्केट बंद होते होते वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में 1.30% का डिक्लाइन BSE में देखने को मिला। तो नेक्स्ट अपडेट है कि बायजूस हुआ डेकाकॉन क्लब में शामिल $10.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर बैंड कैपिटल ने किया इन्वेस्टमेंट। जी हां दोस्तों, को बता दें कि बायजू रविंद्रन का एडुटेक स्टार्टअप बायजूस अब डेकाकॉन क्लब में शामिल हो गया है। $10 बिलियन का वैल्यूएशन हासिल करने वाले स्टार्टअप को डेकाकॉन कहा जाता है। स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ी सम्मानजनक उपलब्धि है। सिलिकॉन वैली की इन्वेस्टर और एनालिस्ट मेरी मिकर्स की इन्वेस्टमेंट कंपनी बैंड कैपिटल ने बायजूस में $10.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट किया है। $10.5 बिलियन इंडियन रुपीस में 79,409 करोड़ रुपीस होते हैं और आपको बता दें कि जनवरी में बायजूस का वैल्यूएशन $8 बिलियन था, जो कि अगले 6 महीने में 30% तक बढ़ गया है। इसके साथ ही बायजूस ने $10 बिलियन वैल्यूएशन वाली हॉस्पिटैलिटी कंपनी OU को भी पीछे छोड़ दिया है। बायजूस अब देश में पेटीएम के बाद दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। पेटीएम का वैल्यूएशन $16 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 1.21 लाख करोड़ रुपीस होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। आज के मार्केट के बारे में बात करी जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE में 209 पॉइंटों की गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते BSE 34,961 पॉइंट पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 पॉइंट की गिरावट के साथ 10,312 पॉइंटों पर बंद हुआ। और आज के मार्केट के टॉप गेनर से HDFC बैंक, ब्रिटानिया, सिप्ला एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर और आज के टॉप लूजर से कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, हिंडालको और टेक महिंद्रा। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।